नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चली बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है जहां शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है। बता दें कि सुबह 11 बजे की अहम बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो आज सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और 15 से ज्यादा अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है और चर्चा के बाद मुहर भी लग सकती है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको दे रही है। बता दें शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी। सुबह 11 बजे ये बैठक होने वाली है। 15 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होगी और उसके बाद मुहर भी लग सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अमीन, जाना चाहेंगे शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है, कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है और फिर मुहर लग सकती है? देखिए, हर मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक होती है और आज भी शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव जो है जी, वो लाए जाएंगे। खासतौर पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए, चूंकि इसी महीने मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है जी, तो उसको लेकर एक प्रस्ताव जो है रखा गया है। इसके अलावा जैसा कि सभी जानते हैं कि किसानों के लिए कुछ न कुछ कैबिनेट से जरूर निकल रहा है मौजूदा परिस्थितियों में, तो किसानों के लिए भी कुछ जो प्रस्ताव है उसमें बहुत लगाई जा सकती है, खासतौर पर एमएसपी को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई महिला सुरक्षाओं को लेकर और जो है रोजगार को लेकर इस तरह के कई प्रस्ताव जो है आज कैबिनेट में रखे जाएंगे। तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव है जिसको बहुत जी। चलिए, शुक्रिया अमीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको 11 बजे ये अहम बैठक होगी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मुहर लग सकती है, चर्चा होगी और फिर मुहर लगेगी। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है।